शिमला आओ या सोपी नहीं खाओ तो शिमला आना फेल है। फेल है। 40 साल से बैठते हैं यहाँ पे ना अंकल। 46 सॉरी 6 साल कम कर दिए थे मैंने गलती से आपने आपकी सर्विस के। एक ये ओल्ड न्यूली वेड आते हैं ये ओल्ड वेड कपल। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज अच्छे होंगे हम भी अच्छे हैं। तो आप पहुंच गए फिर से हम शिमला में। आज है 28 अगस्त संडे और मानसून में बड़ा जबरदस्त मौसम हुआ है शिमला। मतलब जबरदस्त का मौसम, जबरदस्त की कई डेफिनेशन है उसमें, जैसे सुहावना बोल सकते हो, बादल वाला बोल सकते हो, रोमांटिक बोल सकते हो, सबका डेफिनेशन जबरदस्त है। तो हमने तो बहुत बार रिच को घुमा है, गदर पापा गदर तो मम्मी और पापा आए हुए हैं तो इनको घुमाना हमें रिच पे। और हम अभी पार्किंग में है, पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी करी है यहाँ पे, जो लिफ्ट वाली पार्किंग है जो सबसे बढ़िया पार्किंग मानी जाती है। तो लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, इस पार्किंग में ऊपर खड़े करने का 200 रुपये, नीचे 35 रुपये घंटा चार्जेस है और लिफ्ट का 10 रुपये पर हेड है। और आपको अभी फ्रंट कैमरा से दिखाते हैं कितना बढ़िया मौसम है, जबरदस्त या गदर जो भी लाइन बोलो। चलो चलते हैं फिर आपको है मेन रोड और हम खड़े हैं अभी लिफ्ट पार्किंग में। तृप्ति का आउटलेट भी खुल गया, बहुत अच्छी बेकरी है वेज प्योर वेज शिमला की। और ये है लिफ्ट, ये देखो इस तरह से उधर से एंट्री होती है इसकी, लिफ्ट पार्किंग सॉरी इसको। और वहां से पैदल चढ़ने का रास्ता भी मॉल रोड। हाँ, अगर आपको लिफ्ट में बहुत रश मिले तो उधर से पैदल ऊपर जा सकते हो आप, यहाँ से जाते हुए ऊपर से ऊपर पैदल भी जा सकते हो रिज मॉल रोड के ऊपर या रिज। और ये है एग्जिट पॉइंट पार्किंग का और वो सामने है लिफ्ट, बस आप यहाँ से एग्जिट करो और सामने लिफ्ट से 10 रुपये में ऊपर जाओ। चलो ऊपर चलते हैं, आज सेब का सीजन पूरा ब्लूम पे, ये लिफ्ट यहाँ चलते हैं। और ये पहुँच गए लिफ्ट टिकट काउंटर पे, 10 रुपये पर हेड टिकट है। ये दो लिफ्ट है, ये देखो ये बड़े वाली है, पब्लिक को पता नहीं, ये साइड में दो छोटे छोटे भी हैं, बड़े वाले की जगह है, आप इसमें जाओ खाली है। ये देखो खाली होके जाएंगे हम, टिकट दिखाओ जी टिकट। हाँ, टूरिस्ट को पता नहीं होता कि वो लाइन में लग जाते हैं, बड़ी वाली लिफ्ट में, छोटी में भी जा सकते हैं यहाँ पर। ये देखो जा रहे हैं सभी, टिकट चेक होती है ऊपर जाके, मतलब रैंडम चेक हो जाती है टिकट। आप लिफ्ट सीधा निकलते ही आपको इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर दिखेगा। टूरिस्ट को कोई रस नहीं है, ऑक्सीजन है टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू। ये आज संडे है फिर भी कोई रश नहीं, आज है 28 अगस्त, तो मानसून में ऑफ सीजन होता है शिमला में या किसी पहाड़ों में, क्योंकि थोड़ा खतरा होता है ना लैंडस्लाइड वगैरह का। ये मॉल रोड है सारा, आगे जाके दो रास्ते कटेंगे, लोअर बाजार एक ऊपर रिज की तरफ। यहाँ से दो रस्ते निकल जाते हैं, ये जाता लोअर बाजार जो लोकल शिमला का बाजार है, ऊपर मॉल रोड कंटिन्यू चलता रहेगा और फिर आगे भी रिच में जुड़ जाएगा जाके। अगर आपको लोकल शॉपिंग करनी है या लोकल मार्केट देखनी है शिमला की तो ये नीचे रास्ता जाएगा, ये वाला लोअर बाजार, लोअर बाजार के लिए ऊपर मॉल रोड फिर आगे रिज। लो जी ये सेल्फी पॉइंट है, इसमें बीच में कुछ एक्टिविटी चल रही है। अच्छा ये देखो कुछ ना कुछ एक्टिविटी जैसे मॉल्स में होती है, थोड़ा सा ध्यान से। पीछे हो रहा है एक्टिविटी हिप्पी ऐप की, आप भी कर लेना सपोर्ट बेचारे डाउनलोड करके, इनको भी कुछ फायदा हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप है, जैसे ये शॉर्ट्स हैं यूट्यूब के या इंस्टाग्राम के। अब गेटी थिएटर, ये है ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग गेटी थिएटर, गेटी थिएटर और वो टाउन हॉल बिल्डिंग बोलते हैं उसको। मेरू स्वीट्स है, इसकी बहुत अच्छी शुद्ध देसी घी की
देसी घी की मिठाइयाँ और वो आते हैं स्नैक्स वगैरह, और पीछे त्रिशूल बेकरी है वो भी बहुत अच्छी है, कॉफी है आपको पेस्ट्रीज वगैरह खानी है तो। और ये है बिल्डिंग, इसमें कोई ना कोई इवेंट होते रहते हैं डेली। देखो यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला, कुछ ना कुछ इसमें चलता हमेशा इवेंट, कभी पोएट्री, इसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ अंदर से, साहित्य कल्चर बिल्कुल शोधनी में गए तो चल रहा होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है इसके ऊपर अंदर, इसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है अंदर से, अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं इसको भी अंदर का कैसा व्यू है, वीडियो में है डेडी थिएटर करके वीडियो हमारे चैनल पे। और आगे अभी एक बहुत बढ़िया पॉइंट आएगा, फोटो पॉइंट इस गेटी थिएटर का, वो दिखाते हैं हम आपको। लो जी ये है वो जो बता रहा गेटी थिएटर टाउन हॉल, सबसे फोटो चिड़िया देखो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ अरे चिड़िया भी आ गई नीचे आस पास, ये देखो यहाँ पे सभी फोटो कराते हैं जो भी टूरिस्ट आएगा ना शिमला में। एक ये अरे ऊपर चर्च, हाँ ये बहुत अच्छा लगता है रात को, रात को इसमें लाइटिंग हो जाती है, बड़ा सुंदर लगता है ये, यहाँ फोटो जरूर ले, हर बंदा फोटो लेता है यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है। एक चर्च की मिलेगी, एक इस जगह की मिलेगी, दो जगह की फोटो मिलेगी। और आसपास देखो खाने पीने की कैफेज हैं, ब्रांडेड शॉप्स हैं, लीवाइस है, एडिडास है, प्यूमा है, आगे डोमिनोज भी है, आगे स्कैंडल पॉइंट है सामने, बहुत सारे बिना मांगे हुए पेट भी हैं। हाँ ये देखो ऐसे घूमते रहो, ये दोनों कपल है, एक ये ओल्ड न्यूली वेड आते हैं, ये ओल्ड वेड कपल न्यूली वेड भी आते हैं, ओल्ड वेड भी आते हैं, सबके लिए शिमला है, ओल्ड गोल्ड हो गए हैं। ये देखो जी बहुत अच्छा मौसम है भाई, मानसून का है पर होता ऑफ सीजन, लेकिन मानसून का मौसम बड़ा अच्छा होता है, यहाँ पे आओगे तो आप होटल वोटल सब सस्ते मिलेंगे इस सीजन में। ये पहुंच गए स्कैंडल पॉइंट पे, तो यहाँ पे पुलिस की ड्रेस देखना आप, पूरी जो ब्रिटिश कल्चर होता है ना फुल, कैसे पूरी ड्रेस होती है, इसको बोलते हैं स्कैंडल पॉइंट। यहाँ से दो तीन पॉइंट जाते हैं आगे, विधानसभा, स्टेट म्यूजियम, कालीबाड़ी, और ये इधर लेके जाऊंगा थोड़ा स्पीड का, नीचे मॉल रोड ऊपर रिज, लाला लाजपत राय जी की यहाँ पे फोटो है, ये भी शिफ्ट की है आई थिंक सोलन से शायद, कहीं से लेके आए हैं इसको, पता नहीं आप लाहौर लोर से यहाँ आके लगाई है। लो जी ये है टाउन हॉल बिल्डिंग या मेयर हाउस, और इसको अभी रिज पे पहुंच जाएंगे, आप जब भी आए तो पक्का मन करके आए कि आपको चलना है, और हम चाहते हैं आपको ये लाइट नाइट व्यू दिखाएं, नाइट व्यू बहुत अच्छा लगता है, नाइट व्यू बहुत अच्छा आता है इसका क्या नाम है, टाउन हॉल बिल्डिंग और गेटी थिएटर का, ये है टाउन हॉल बिल्डिंग और आगे है गेटी थिएटर, जैसे मैंने बताया था गेटी थिएटर में कोई ना कोई इवेंट होता रहता है, अभी लिखा ये चला हुआ है ना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला। वेलकम टू शिमला रिज, पहुंच गए हम रिज के ऊपर, वो क्राइस्ट चर्च सामने वाली, और वो हवा महल है, उसके बाद ये एक पार्क है, यहाँ पे भी आप फोटोग्राफ वगैरह खींच कर सकते हैं, इसकी 5 रुपये की एंट्री टिकट है, दौलत सिंह पार्क इसका नाम है ये वाले का, और ये है गुफा रेस्टोरेंट, ये हिमाचल टूरिज्म का रेस्टोरेंट है, इसके अंदर आप जाएंगे तो आप आपस में बात करेंगे तो दूसरे की आवाज नहीं सुनती, मतलब सुनी कम सुनेगी, हाँ मतलब पूरा ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, वुडन का बना हुआ है अंदर से, बड़ा सुंदर है हिमाचल टूरिज्म का ये, और पीछे वो आपका टाउन हॉल गेटी थिएटर। तो फ्रेंड्स ये है रिज, इस जो ये प्लेटफॉर्म है इसके नीचे वाटर टैंक है, अंग्रेजों ने ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था तो यहाँ पे पानी वाटर टैंक बनाया था, ताकि जो वो रहते थे उसकी रेजिडेंस के लिए और ऑफिस के लिए, तो यहाँ से अभी भी पानी सप्लाई होती है यहाँ से, ये आप देखो बीच बीच में टूटा हुआ है ना, ये मेंटेनेंस के लिए इसको खोलते हैं यहाँ से तोड़ के गेट, ये इनके गेट है यहाँ पे, ये ढक्कन कैप्स वगैरह हैं जिसको खोल के अंदर काम करते हैं। और ये आपकी शिमला की शान, हर जगह आपको जहाँ पे शिमला का नाम आएगा तो इसकी जरूर फोटो मिलेगी, क्राइस्ट चर्च की। और ये हवा महल, यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग हो चुकी है, क्या नाम था वो 3 इडियट्स की शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी, और इस तरह से आके सब टूरिस्ट एंजॉय करते हैं, खाने पीने की
मोमोज सबसे ज्यादा बिकता है, मोमोज है, आइसक्रीम्स है, स्वीट कॉर्न है, और ये भी हिमाचल टूरिज्म का एक कैफे है। हाँ, और ये हमारा यहाँ पे नेशनल फ्लैग को लगाते हैं, पर अभी निकाला हुआ है। इस तरह से ये बड़ा अच्छा माहौल बनता है, ठंडा ठंडा मौसम होता है, गर्मी तो होती नहीं कभी भी शिमला में। ये देखो, अगर ऐसे फोटोग्राफी करानी है आप घोड़े पे खड़े हो गए तो घोड़े भी हैं यहाँ पे, फोटोग्राफर भी हैं, दोनों हैं। ये हिमाचली ड्रेस करके आपको अगर फोटोग्राफ करानी है तो ये भी है यहाँ पे, ये देखो, ये हिमाचली ड्रेस बना के आपको फोटोग्राफ कर देंगे मॉल रोड रिज के ऊपर। जिन्होंने हमारे पहले वीडियो देखे अच्छे से तो बताएं कि येलो लाइन क्यों होती है ये, और यहाँ से एम्बुलेंस क्यों नहीं जाती, और गाड़ियां भी क्यों नहीं जाती। वैसे इसका हिंट मैंने पहले वीडियो में आपको दे दिया है, ये हवा महल, और हवा महल के साथ से जो रास्ता जा रहा है ये लक्कड़ बाजार की तरफ जाता है, आगे लक्कड़ बाजार है। यहाँ पे भी एक अच्छी मोमोज की शॉप है, प्योर वेज तृप्ति, मतलब कि बेकरी शॉप है प्योर वेज, तो उसका डिम सिम सबसे पॉपुलर है, हमें अच्छे लगते हैं, मतलब वो हम खाने चलते हैं फिर वो। हाँ जी, क्योंकि वो वेज होते हैं ना, इसलिए हम वेज ही खाते हैं। हाँ, वेज ही शॉप पर जाते हैं। चलो जी, आपको नया ट्राई करवाते हैं डिम सिम शिमला के तृप्ति बेकरी के। ये घोड़ा पॉइंट है, 100 रुपये में एक चक्कर, 100-150-200 बार्गेनिंग के ऊपर, आप जैसे जैसे नेगोशिएशन करोगे उतने आपके रेट हो जाएंगे, लगभग 100-150 रुपये में मान जाते हैं ये। एक चक्कर, एक दो चक्कर मरवा देते हैं आपको मोर रोड के, उसके रिज के ऊपर के, और आगे फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर से आप पोज बनवा के फोटो भी करवा सकते हैं। वो 40 साल से बैठते हैं अंकल, चने बेचते हैं यहाँ पे, चने मुखली 40 साल से, लो ये अंकल 40 साल से बैठते हैं यहाँ पे, है ना अंकल? 46 सॉरी, 6 साल कम कर दिए थे मैंने गलती से आपके आपकी सर्विस के नहीं, 46 ईयर अंकल के, यहाँ पे चने और वो बेचते हैं मूंगफली, हर सीजन में होते हैं अंकल आप, 12 महीने लगभग है, बर्फ बर्फ गिरा तो अलग बात है, अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। लो जी, कितने रुपए का अंकल? चन 20 रुपीज। लो जी, तो ये 46 ईयर से अंकल बैठे हैं यहाँ पे, तो इनका भी ट्राई करें आप, हमने भी लिया एक करा रहा है ना बारिश में। अच्छा जी, ये फोटोग्राफर और घोड़े वाले जड़ रहे हैं, अभी पीछे पोज ले रहा था फोटोग्राफर किसी का, और घोड़े वाला रोक नहीं रहा था, क्योंकि ये दोनों का अपना कमाई का साधन है। वो घोड़े पे कोई टूरिस्ट जा रहा था तो ये फोटो ले लेते फोटोग्राफर, तो उसके बाद दिखाते हैं उसको, देखो अब क्या अच्छी फोटो आई है तो बनवा लो, तो उसका अपना बिजनेस का लालच है इनको अपना, ऊपर झगड़ा हो जाता है थोड़ा मोटा। लो जी, हमने भी लिया अंकल के चने, वाकई में बहुत क्रंची है, 20 रुपये का पैकेट है, चने और मूंगफली है। पर मैं अपने मूंगफली ढूंढ रही हूँ, चने देख रहे हैं। तुम्हें चने मिक्स नहीं है अंकल? मिक्स नहीं है, ये मूंगफली पाई गई है, बहुत क्रंची है सच्ची में, रियली ये देखो बहुत क्रंची। अंकल खुद बनाते हैं 46 ईयर से, 40 साल से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, जॉब कर रहे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं। लोग पहुंच गए लक्कड़ बाजार में, ये हाथ से बने आपको वुलन के जूते बच्चों के भी मिल जाएंगे, 100 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, बाकी बार्गेनिंग आप कर लो जितनी कर सकते हो, तो बाकी 100 रुपये से नीचे का मुश्किल ही आते हैं। और ये लकड़ बाजार में ये कुछ लकड़ी के बने हुए सामान की दुकानें हैं, छोटा सा ही है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, बस थोड़ा सा 50-100 मीटर का लगा, 200 मीटर लगा, 200 मीटर का स्ट्रेच है, और आगे 2-4 मिल जाएंगी बस, दो ये 100 मीटर का स्ट्रेच है, ये लक्कड़ बाजार इसको ही बोलते हैं। पर ये सबसे ज्यादा ठंडा एरिया होता है शिमला का, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती। हाँ, यहाँ पर धूप नहीं आती शिमला में, कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे धूप नहीं आती। हाँ, यहाँ के बंदों को बहुत दिक्कत होती है। हाँ बिल्कुल, लक्कड़ बाजार की तरफ बहुत अच्छा मौसम, मजा आ रहा है मेरे को तो दिल्ली के कंपेरिजन में। दिल्ली
देख के शिमला जब दिल्ली रेल हो गया आप कुछ दिन उसके बाद दिल्ली की आपको शिमला की वो आएगा वैल्यू का पता लगेगा कि दिल्ली के ब्रिज में शिमला कितना बढ़िया है, कोई ह्यूमिडिटी नहीं, कोई मॉइस्चर नहीं, कुछ नहीं है ना। और ये आगे तृप्ति बेकरी, ये भी जैसे जो नीचे पार्किंग मैंने आपको दिखाई थी ये ऊपर भी है इसका आउटलेट है लकड़ बाजार में, प्योर वेज के बहुत सारे आइटम्स हैं बेकरी के, प्योर वेज अच्छे अच्छी बड़ी रेपुटेटेड ब्रांड में आते हैं शिमला की ये, तो यहाँ से हम भी ट्राई करते हैं डिमसिम। डिमसिम सबसे बेस्ट वेज शिमला में, आप अगर मोमोज खाना चाह रहे हो तो सबसे बेस्ट तृप्ति बेकरी, तृप्ति बेकर्स, यहाँ की ब्रेड भी है सब कुछ मिलेगा आपको, प्योर वेज 70 रुपए के 6 पीस होते हैं और साथ में इसमें मेयोनी की चटनी, ग्रीन चटनी और लाल चटनी है। हाँ जी, कैसे है, क्या है रिव्यू दो मम्मी, कैसे है? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, मस्ट ट्राई। इनकी वजह से इसको लकड़ी बाजार बोलते हैं, ये लकड़ी के आइटम्स मिलते हैं यहाँ पे। तो लाइव पिक्चर बनना चाहे तो ये आर्टिस्ट है यहाँ पे लकड़ बाजार में, इस टाइप की एक्टिविटीज भी है। अरे पापा कहाँ गए, पापा कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, देखते हैं। अच्छा, आप आइसक्रीम लेने गए ठंड में, इतनी में शिमला आओ या सोफ्टी नहीं खाओ तो शिमला आना फेल है, फेल है। शिमला आओ तो शिमला की सोफ्टी जरूर, ये जरूर बताओ कि हार्ट के पेशेंट को शाम को आइसक्रीम, और हार्ट के पेशेंट जिसका भी चार डले हुए और रात को 6 बजे शिमला, 7 बजे शिमला में, 7 बजे सोफ्टी। हम भी नहीं खाना पसंद कर रहे, देख लो। देखो जी ऐसे मस्ती चढ़ती है टूरिस्टों को यहाँ पे। मानसून के टाइम में शिमला कैसा होता है, तो बहुत अच्छा मौसम है मानसून में, आपको टूरिस्ट भी कम मिलेगा और क्या नाम है होटल्स के रेट भी कम मिलेंगे, होटल भी खाली मिलेंगे, पार्किंग भी मिल जाएगी, रोड भी रश नहीं होगा, सब कुछ है घूमने जा सकते हो, और ये आप आइसक्रीम भी एंजॉय कर सकते हो ठंड की है ना। तो होप आपको ये अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाए, ऐसे के ना बढ़े आगे। ओके जी, बाय बाय, मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, सुन लो।